सकते हैं, जिम का भी सारा इक्विपमेंट्स वगैरह लगाया गया है स्टूडेंट्स के लिए। और मैं आपको लेके जा रहा हूँ मेस डाइनिंग एरिया, वो सब दिखाने के लिए। एक रूम के अंदर मैं आपको ले आया, बहुत सारा रूम है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सो हेलो एवरीबॉडी। तो लेजेंड्स ऑफ एलन, हम मेरे को भी काफ़ी खुशी होती है इस जगह पे खड़ा होकर, क्योंकि मैं भी खुद एलन का स्टूडेंट हूँ। और आज यानी कि कोटा आने वाले हजारों लाखों बच्चों को मैं हेल्प कर रहा हूँ वीडियोस बना के। तो दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है, इस पे बहुत ज़्यादा रहता फैला हुआ है, जैसे कि एलन का SRG, स्टार बैच और कोहिनूर सिस्टम, ये वो, इन सभी के बारे में आपने यानी कि बहुत सुना होगा, यानी कि बहुत लोगों को देखा होगा वीडियो बनाते हुए। तो मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एलन में पढ़ा हूँ और मुझे पता है यानी कि स्टार बैच, SRG ये सब वगैरह क्या है, ठीक है। क्योंकि खुद मैं तो SRG में नहीं था, मेरे दोस्त जो थे वो SRG बैच में गए थे। तो SRG बोल लो, स्टार बैच बोल लो, या बोल लो टॉप बैच, साफ भाषा में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मेडिकल वालों के लिए SRG बनता है या स्टार बैच बनता है, या IIT वालों के लिए SRG बनता है, स्टार बैच बनता है, क्या बनता है। तो ये जो SRG स्टार बैच, समझ लो कि ये टॉप बैच हो गया, यानी कि टॉपर के लिए बैच हो गया। अब टॉपर से यहाँ पे कोई यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। मान के चलो कि आपने एलन में एडमिशन लिया, ठीक है। अब आपने एलन में एडमिशन ले लिया तो आप ये नहीं देखा जाएगा कि आप अमीर फैमिली से हैं, गरीब फैमिली से हैं। यार देखो, ऐसा नहीं है कि मैं बायस्ड रिव्यू दे रहा हूँ, मैं खुद एलन का एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे भाई पता है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं देखा जाता है कि आप अमीर फैमिली से हो, गरीब फैमिली से हो, कहाँ से हो। बस टेस्ट जो होगी, जैसे कि रेगुलर माइनर टेस्ट होता है, मेजर टेस्ट होता है, इस तरीके का टेस्ट होता है एलन में इनिशियली, ठीक है। तो टेस्ट के बेसिस पे क्या होता है कि यानी कि शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं बच्चे, और उन बच्चों को जो भी आप सुनते हो ये SRG, स्टार बैच, कोहिनूर सिस्टम, ये वो, जो भी टॉप बैच है, उस बैच में बच्चों को डाला जाता है, ठीक है। तो जो भी मेहनती और डिजर्विंग बच्चे रहते हैं ना, उनको उधर साइड में डाला जाता है, ठीक है। अब वहाँ भी एक कंपटीशन रहता है, अगर आप SRG या स्टार बैच में चले गए, ठीक है, और वहाँ जाने के बाद अगर आप यानी कि हमेशा अपना जो रैंक है वो टॉप 10 में अगर मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है, वहाँ भी है कंपटीशन, वहाँ भी अगर आप मेंटेन किए हुए हैं टॉप रैंक्स, तो एलन के तरफ से क्या यानी कि सुविधा बच्चों को मुहैया करवाई जाती है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आप देख के अमेज्ड हो जाएंगे कि कितनी अच्छी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। और मेरे ख्याल से जो भी डिजर्विंग बच्चे हैं, जो भाई टॉप रैंक लेके आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं ना भाई, ठीक है। JEE में देख लो, 14 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, सबका तो Year 1 नहीं आ जाता है, कुछ ही एक ही बच्चा का Year 1 आने वाला है भाई, सीधी सी बात है। तो वो जो जिसने भी Year 1, 2, Year 3 जिसने भी लेके आया मेडिकल या IIT में, तो ऑब्वियसली है कि उसने भाई मेहनत करा होगा, तभी जाके वो यानी कि वहाँ तक पहुँच पाया। तो चलो मैं आपको अब फैसिलिटी दिखाता हूँ कि SRG स्टार बैच, जो आप समझते हो टॉप बैच यानी कि टॉप रैंकर स्टूडेंट्स के लिए, जो एलन द्वारा जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है वो क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, ये मैं आपको ले आया SRG स्टार बैच के स्टूडेंट्स को जो सुविधा मिलता है वो दिखाने के लिए। तो लिफ्ट एरिया है, यानी कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए यहाँ पर फैकल्टी के ऑफिस वगैरह है, और सामने में ही ठीक यहाँ पे जिम वगैरह है। देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना हेल्थ का जो ख्याल है वो भी रख सकते हैं, जिम का भी सारा इक्विपमेंट्स वगैरह लगाया गया है स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे इंडोर गेमिंग फैसिलिटीज़ वगैरह भी है, ताकि स्टूडेंट्स का पढ़ाई के साथ यानी कि मूड भी रिफ्रेश्ड रहे। और मैं आपको लेके जा रहा हूँ मेस डाइनिंग एरिया, वो सब दिखाने के लिए। यहाँ पे सीटिंग एरिया है, और यहाँ पे बच्चों का रेगुलर अटेंडेंस वगैरह लगता है, ताकि रिकॉर्ड में रहे कि हाँ भाई बच्चे सही से खा रहे हैं और बच्चे प्रेजेंट है। और ये देखो कितना साफ़ सफाई है यार, तगड़ा इंटीरियर है और साफ़ सफाई, ये मेरे को काफ़ी भाता है। कोविड के समय में साफ़ सफाई बिल्कुल ज़रूरी है, और है भी यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बुफे सिस्टम है, स्टूडेंट्स जो है वो खाना लेके बैठ के वहाँ पे खाते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है भाई। एलन का तो भाई क्या ही बोलूँ, एकदम क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टडी मटेरियल, टीचर, सब कुछ यार बेस्ट क्वालिटी है। ये कॉरिडोर है, एक रूम के अंदर मैं आपको लिया आया, बहुत सारा रूम है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेड है, और
ठीक सामने में यहाँ पे बुक सेल्फ है, नीचे में एक मिनी फ्रिज है, ये रहा एसी, और ये रहा एक छोटा सा लाइट लैम्प, और स्टडी टेबल, चेयर, आराम से अपनी किताबें रखिए, पढ़िए। एक अलमीरा वगैरह है सामान रखने के लिए रूम में, और ये मैं आपको लिया है बाथरूम में। बाथरूम भी वेल इक्विप्ड है एंड नीट एंड क्लीन, पूरा साफ सुथरा। यहाँ पे गीजर इंस्टॉल्ड है और एग्जॉस्ट के लिए भी जगह दिया गया है। तो ये सारा सुविधा वगैरह है स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों ये आपने देखा कि ये सारी फैसिलिटीज़ है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सभी भी मेहनत करें, ठीक है, मेहनत करें ताकि आपको भी ये बैच मिल पाए। मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है, सभी मेहनत करें, आए आके जो भी एलन द्वारा सुविधा मुहैया करवाया जा रहा है। एलन यानी कि कोटा में सिर्फ SRG स्टार बैच नहीं है, आम बच्चे भी जो है ना, मैं खुद SRG बैच का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन तब भी मैं ये वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मैं एक नॉर्मल बैच में था, मैं JEE मेंस वाली बैच में था, ठीक है, तो वहाँ भी हमें कभी ये फील नहीं हुआ कि यार हम टॉप बैच में नहीं है तो हमें टीचर अच्छे नहीं मिल रहे। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि टॉप बैच में नहीं है तो टीचर अच्छे नहीं है, यार ऐसा बात नहीं है। एलन में ना सारे टीचर अच्छे हैं, ऐसे ऐसे टीचर हैं ना एलन में कि एक पत्थर को भी रख दोगे ना तो उसको भी फिजिक्स सिखा देगा, ठीक है, ये चीज़ मैंने खुद फील किया है। मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता हूँ, नहीं तो मैं अपने टीचर्स का नाम लेके बता देता जिन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाया था एलन में। तो ऐसे ऐसे टीचर्स हैं भाई, तो एलन में यार आपको मेहनत करना तो सिखाई दिया जाएगा, इतना तो मैं 100% श्योर हूँ। अगर नहीं रहता ना तो आज 50,000 सब्सक्राइबर लेके यहाँ खड़ा नहीं होता आपके सामने। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।